हाँ मैं जाऊंगा और उससे जरूर बात करूंगा। पर पापा मुझे उनकी बातों से ऐसे लगा कि उन्हें अपने दौलत पर बहुत घमंड है। नहीं रवि ऐसा नहीं है, मैं राजेश्वर को अच्छी तरह से जानता हूँ, जितना वो पैसे से अमीर है उतना दिल से भी अमीर है। फिर उन्होंने मुझसे रुखेपन से क्यों बात की? तुमने उन्हें बताया नहीं होगा कि तुम मेरे क्या हो, अब मैं उन्हें बताऊंगा तुम मेरे लयपालक बेटे हो, वो कभी इनकार नहीं करेगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अश्विनी नमस्कार, बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बस यू ही सोच रहा था चलाया, अब देखिए ना सेठ जी आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है, अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि, आपसे मिल भी चुका है, जरा याद कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है? अच्छा है, किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा? उसे हमने अपने गोद में सहलाया और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसका खानदान क्या, ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी, तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए? वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं परसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं है। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओ, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी नहीं, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया? अरे रुपया तो हाथों का मैल है, हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलिस करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे, और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है? वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा, ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा।
इंतजार करो। सर अश्विनी, हमारे बैंक ने आपकी भेजी हुई स्कीम पर काफी गौर किया। आपने अपने पोल्ट्री फार्म की जो कीमत 15 लाख दिखाई है वो सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है। 15 बरस पहले हमने एक मुर्गा और मुर्गी खरीदे थे और अंडे इकट्ठा करते करते आज हम 2 लाख परिंदों के मालिक हैं। ये तो रही हमारे मुर्गों और हमारी मेहनत। यही मेहनत स्कीम को वो कामयाबी देगी जिस पर आपको और आपके बैंक को फक्र होगा। लेकिन हमारे फाइनेंस करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता हूं। आपने सब बजा फरमाया। आप अकेले कर भी क्या सकते हैं। अब देखिए दोबारा कब मुलाकात होती है। थैंक यू। कैश मेरे हवाले कर दो। Let's go!
राजेश्वर, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाएं। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। अश्विनी कुमार, जागते में ख्वाब देखना पागलपन की निशानी हो। मौसा जी, इस तरह चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आप मुंह पीटते रह जाएंगे। एक बात बोलूं, रवि और सुमन को अलग कर देते हैं, उन दोनों में प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। इंग्लिश नहीं लाडले, नहीं, यह काम उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। सुमन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत जिद्दी है वो। मौसा जी, मेरा नाम लाडला है। मैं लाड़ प्यार से पुचकार कर सुमन को आंटी अंकल के यहां कथमंदूर ले जाता हूं। है ना इंग्लिश?